जय हिंद साथियों। आज हम आगामी अपनी जो परीक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत तैयारी कर रहे थे हम लोग संविधान की आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के संदर्भ में आज हम अपने अगले इस लेक्चर में अपना जो खंड है संविधान, इस संविधान के अंतर्गत हम देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को। और ये वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में। अभी तक साथियों हमने संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार पर अधिकार के भाग में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन बातों पर हमने चर्चा की थी। और अब हम चर्चा करते हैं अगले मौलिक अधिकार पर जो पांचवा है और उसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि भारत में जैसे जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलेंगे भाषाएं बदलती हैं, संस्कृतियां बदलती हैं, लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन, परंपराएं, धर्म, भेष, पहनावा, सब कुछ जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने में बदला बदला सा मिलता है। तो ऐसे में एक व्यवस्था बनाई गई है जिस व्यवस्था के तहत हर किसी को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी संस्कृति, किसी भी परंपराओं को पालन करने वाला हो, ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत वह अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को प्राप्त कर सकेगा संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। जो भारत का संविधान है उसके तहत मौलिक अधिकार भारत के भूभाग में अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति एवं परंपराओं को पालन करने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उन्हें तरह तरह के मौलिक अधिकार जो देता है उसमें एक प्रमुख अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और यह धर्म, जाति, भेष, लिंग, संस्कृति, परंपरा, इस आधार पर कोई भेदभाव किसी भी नागरिक से नहीं करता है। और आइए अब हम देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में क्या क्या बातें बतलाई गई हैं। और हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 29 से। अनुच्छेद 29 साथियों, यहां से हमारी जो परीक्षा है लिखित परीक्षा उसमें जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं। यहां आप एक एक चीजों को अगर बहुत बारीकी से देखे हैं तो पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो जवाब है वो आप बहुत ही सहजता से दे सकते हैं। यहां वन लाइनर प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं कि जिन्हें अगर आपने एक बार भी ये टॉपिक को देखा है तो आप जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 29। जो अनुच्छेद 29 में
क्या बातें कही गई हैं, और यह है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। यह बातें साथियों अनुच्छेद 29 में कही गई हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। इसमें यह बातें बताई गई हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है अनुच्छेद 29 में, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। इसके तहत संविधान में अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनको, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है, चाहे वो उनकी संस्कृति हो, परंपरा हो, रीति रिवाज हो। इस तरह तरह के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों को संरक्षित किया गया है, और इसी आधार पर जो भी नागरिक, चाहे वो, चूंकि इसमें अल्पसंख्यक वर्ग लिखा है तो हम सीधे अल्पसंख्यक पर प्रकाश डालते हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, उनके संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज आदि के से आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इसके साथ ही एक बात इसमें और कही गई है कि उनको किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी अथवा गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जिन्हें हैंडराइटिंग हमारी कुछ कम समझ में आती हो, हमारी हैंडराइटिंग जिन्हें ना पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती हो, वो शब्दों को सुनते रहेंगे कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है, और इसी इसमें इसके आधार पर केवल भाषा, जाति, रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज, परंपरा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उन्हें एक और बात है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह बातें अनुच्छेद 29 के तहत भारतीय संविधान में बतलाई गई है। और अब हम देखते हैं इसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या क्या बातें कही गई है। यह तो था अनुच्छेद 29 की अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा, और किसी भी भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, परंपरा के आधार पर उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। यह बातें अनुच्छेद 29 में कही गई हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 30 में क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 30 भी करीब करीब इसी से संबंधित है, और इसमें अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके रख रखाव और प्रशासन से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है
संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार या अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार साथियों, अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनके उनकी स्थापना, उनकी देखरेख, उनका प्रशासन और उनके रख रखाव का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्ग के पास होगा और इस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं रखा जाएगा। इसमें एक बात कही गई है और एक दूसरी बात कही गई है जिसको सबको ध्यान से नोट करना होगा, समझना होगा कि राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों के जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके तहत राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह बातें की गई है अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार के तहत कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थाओं के की स्थापना, उनके प्रशासन, उनकी देखरेख, उनके रख रखाव के अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के पास होंगे और राज्य ऐसी संस्थाओं को अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये इतनी बातें बतलाई गई हैं अनुच्छेद 30 के तहत और ये था हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 और 30। और अब हम आते हैं अपने आखिरी छठवें और आखिरी मौलिक अधिकार पर और जिसका नाम है, आप सभी जानते हैं, हमने इससे पहले चर्चाएं भी की हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं हमारे आखिरी मौलिक अधिकार पर और इसका नाम है, जो छठवां मौलिक अधिकार है, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और यह बातें कही गई हैं अनुच्छेद 32 में। साथियों, अपने इस छठे और आखिरी जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस संबंध में हमारे संविधान के जो शिल्पकार हैं, जो भारत के पहले कानून मंत्री भी थे और जिनका नाम आप सभी जानते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इन्होंने इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसको हम सभी को ध्यान में रखना है कि अगर सवाल आता है कि संविधान में वर्णित किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और आपके सामने ऐसे विकल्प होंगे 1, 2, 3 और 4, जिसमें समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, और एक ऑप्शन रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप बहुत आसानी से अगर चौथे विकल्प के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार संबंधी बात लिखी गई है तो आप बहुत आसानी से इसको टिक करके अपने सवाल को सही कर देंगे कि संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब द्वारा। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचार में क्या बातें कही गई। साथियों, अनुच्छेद 32 के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 साथियों जो मौलिक अधिकार है भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसको न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए इसमें बातें बतलाई गई हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए जो उच्चतम न्यायालय है उसमें अधिकार प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकारों को। मैं यहां पे लिखता हूं, मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए। अनुच्छेद 32 यही बात कहता है कि मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए इसमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 32 के
तहत यह बातें बतलाई गई हैं, और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को कुछ प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उसमें हम एक एक करके सारी बातों की चर्चा करते हैं कि वो क्या क्या हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रत्यारक्षण, बंदी प्रत्यारक्षण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध लेख, अगला है उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख, और एक और है अधिकार प्रशाल लेख। साथियों, मौलिक अधिकार को न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए जो आवेदन करने का अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में बतलाया गया है। यहां मैं लिखा हूं उच्च मौलिक अधिकारों को न्यायालय में प्रवर्तित कराने के लिए आवेदन करने का अधिकार। साथियों, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध लेख, एक है उत्प्रेषण, और एक है अधिकार प्रतिष्ठा लेख। आइए हम इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये सारे बिंदु क्या क्या हैं और उच्चतम न्यायालय को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें हम एक एक बिंदु पर इसी तरीके से चर्चा करते हैं। और पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में साथियों बातें कही गई हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जब, तो न्यायालय जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित करती है कि आप जो पीड़ित है, जो बंदी है, उसे तुरंत दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करें, जिससे कि गिरफ्तारी के कारणों को समझा जा सके। मैं यहां पर छोटे छोटे बिंदुओं में लिखता हूं, गिरफ्तार ये गए व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, जिससे गिरफ्तारी के
कारणों को समझा जा सके। ठीक था बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके तहत गिरफ्तार, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो जिस अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वह बंदी को न्यायालय या दंडाधिकारी के समक्ष पेश करे, गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, जिससे कि गिरफ्तारी के कारणों को कि किस आधार पर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के कारणों को समझा जा सके, जिससे किसी भी व्यक्ति को अनुचित तरीके से कभी भी गिरफ्तार न किया जा सके। इस तरीके की बातें को बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है। अब अगली बात है इसमें, दूसरी बात, और उसका नाम है परमादेश। परमादेश में आइए हम देखते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। तो नंबर दो है, परमादेश। परमादेश में यह बतलाया गया है कि यदि कोई पदाधिकारी है, कोई अधिकारी है, वह अपने कर्तव्यों के प्रति यदि सजग नहीं है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वह विधिपूर्वक नहीं कर रहा है, तो यदि कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उसको यह आदेश मिलता है जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। यह उसे आदेश, इस परमादेश के माध्यम से यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है कि जिससे यदि कोई जो प्राधिकारी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इसके तहत, परमादेश की जो बातें हैं, इसके तहत न्यायालय उसे आदेशित करेगी कि वह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जो है विधिपूर्वक करेगा। अब हम अगली बात पर चर्चा करते हैं परमादेश के बाद। परमादेश में आपने देखा कि यदि कोई प्राधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो न्यायालय इस परमादेश का जो की जो बात है उसके तहत उसे आदेशित करती है कि वह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जो है वो करेगा। तीसरी बात पर आते हैं, यह है प्रतिषेध लेख। साथियों, प्रतिषेध लेख जो है इसमें उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को एक राइट दिया गया है, एक पावर दिया गया है, और जिसके तहत जो है जो निचली अदालतें हैं उनको यह आदेश उच्च एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया जाता है कि उस संबंध मतलब किस संबंध में, जिस संबंध में उच्च एवं उच्चतम न्यायालय बात कर रहा है, उस संबंध में वह निचली अदालत अपने यहां पर आदेश पारित ना करे, क्योंकि वह चीजें उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। प्रतिषेध लेख में, तो प्रतिषेध लेख में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय निचली अदालतों को
निचली अदालतों का अर्थ है वो अदालतें जो इनके अधीनस्थ हैं, जो इनसे नीचे हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अदालतें हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, चाहे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, चाहे वह सेशन कोर्ट हो, तो प्रतिषेध लेखक उच्चतम एवं उच्च न्यायालय निचली अदालतों को संबंधित मुकदमे में या मामले में निर्णय देने से रोकती हैं, क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध लेख में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय निचली अदालतों को आदेशित करती हैं कि ये मामला जिस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बात कर रहे हैं, उस संबंध में निचली अदालतें आदेश पारित ना करें, आदेश ना दें, क्योंकि वह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह बातें प्रतिषेध लेख में कही गई हैं। और इसमें अभी एक चौथी बात अब हम बतलाते हैं, और उसका नाम है उत्प्रेषण, कि उत्प्रेषण में क्या क्या बातें कही गई हैं। उत्प्रेषण साथियों, अभी तक जैसा कि आपने देखा परमादेश में, कि जैसे कोई अधिकारी है, यदि वह अपने कर्तव्यों का जो है अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो उसे आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करे। लेकिन और इसके बाद प्रतिषेध लेख में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय निचली अदालतों को निर्देशित करते हैं कि इस संबंध में, जिस संबंध में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय बात कर रहे हैं, निचली अदालतें कोई निर्णय ना दें, क्योंकि वह मामला निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह बातें थी। और उत्प्रेषण में निचली अदालतों को जो लंबित मुकदमे हैं, लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजा जाए। यह बातें उत्प्रेषण में बतलाई गई हैं कि निचली अदालतें लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे अपने से वरिष्ठ न्यायालय को भेजेंगी, जो भी उनके यहां लंबित मुकदमे हैं उसके न्याय निर्णयन के लिए निचली अदालतें उसे अपने से वरिष्ठ न्यायालय को भेजेंगे। जैसे कोई मामला मान लीजिए सेशन कोर्ट में है, तो उसके न्याय निर्णयन के लिए सेशन कोर्ट उस मामले को कहां भेजेगी? हाई
हाई कोर्ट में भेजेगी। हाई कोर्ट में कोई मामला लंबित है और उसके न्याय निर्णयन के लिए हाई कोर्ट उस मामले को कहां भेजेगी, उससे वरिष्ठ न्यायालय के पास, और उससे वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजेगी अर्थात हाई कोर्ट कहां भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट में। यह बातें उत्प्रेषण में कही गई है। और इसमें एक और बात है, पांचवी बात, और जिसका नाम है अधिकार पृष्ठालेख। अधिकार पृष्ठालेख, इसके तहत यदि कोई प्राधिकारी अपने ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जिसके लिए वह कानूनी रूप से वैध नहीं है, यदि कोई प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जिसके लिए वह कानूनी रूप से वैध नहीं है, जिसके लिए वह वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है, जिसके लिए वह वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं और वह एक हत्या के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं 302 के मामले की, और उसके लिए वो कानूनी रूप से वैध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई प्राधिकारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है जिसके लिए वह वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को एक नोटिस भेजती है और न्यायालय संबंधित प्राधिकारी से सवाल करती है कि किस आधार पर संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन आप कर रहे हैं, किस आधार पर संबंधित मामले का या कर्तव्यों का निर्वहन आप कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि वह प्राधिकारी न्यायालय को जो जवाब देता है वह संतोषजनक अगर नहीं लगता है न्यायालय को, तब न्यायालय उसे उस कर्तव्यों के निर्वहन से मुक्त कर देती है। और ऐसा समझा जाता है कि अब संबंधित प्राधिकारी जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं था, वो अब ऐसे दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा। यह बातें कही गई हैं अधिकार पृष्ठा लेख में। और इस प्रकार से आपने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, जिसे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, इसमें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए आवेदन करने के अधिकार उच्चतम न्यायालय में प्रदान किए गए हैं, और इसी के तहत उच्चतम न्यायालय को कुल 5 अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है, और जो आपके सामने है, अधिकार पृष्ठा लेख। इन बातों की चर्चा हमने की और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन चल रहा था
संविधान का और उसके तहत हमारा जो टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, वो अब समाप्त हुआ। इस मौलिक अधिकार में हमने छह मौलिक अधिकारों को बिंदुवार चर्चा की, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मौलिक अधिकार में यदि आप में से किसी को भी कोई भी समस्या होगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वह अपनी बात रखेगा, अपने प्रश्न को करेगा। किसी के मन में यदि कोई डाउट होता है तो उसका मैं कमेंट सेक्शन में ही जवाब दूंगा। यदि आपको वीडियो के आवाज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हैंडराइटिंग को देखेंगे जो बोर्ड पर लिखा जाता है। यदि बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसमें कोई समस्या है तो आप आवाज जो कही जा रही है, मेरे द्वारा बोली जा रही है, उसको सुनेंगे ध्यान से। और फिर भी यदि कोई बातें नहीं समझ में आती हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को बता सकते हैं। साथियों, अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि पीसीएस का रिजल्ट हाल ही में आया है, तो चूंकि लॉकडाउन चल रहा है वैश्विक कोरोना महामारी के दृष्टिगत, जब भी कोरोना मामलों में गिरावट आती है और सरकार द्वारा लॉकडाउन खोला जाता है तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो बहुत त्वरित गति से संपन्न कराई जाती हैं। ऐसी स्थिति में लॉकडाउन की परिस्थितियों में जो ऑनलाइन कोचिंग संस्थानें चल रही हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिगत एकमात्र आधार है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित कर रखें और एक एक विषय को बिंदुवार अध्ययन घर बैठे ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से करते रहें। यदि आपको कोई समस्या आती है किसी टॉपिक में जो संविधान का खंड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आपको तैयारी से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी खंड में, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, जीएस का ही क्यों ना हो या हिंदी का ही क्यों ना हो, तो आप मुझे जरूर बताएं। हम हर संभव मदद करेंगे आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में अपने स्तर से अपना योगदान देंगे। इसके साथ हम मिलते हैं अपनी संविधान की अलग कक्षा में। तब तक आप पढ़ते रहें और एक एक टॉपिक को देखते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी रखें। कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से लगातार हाथ धोते रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, जागरूक बने और कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान जरूर दें। और इसके साथ हम संविधान के अपने अगले टॉपिक पर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।